सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ जबरदस्त एंड काइंड ऑफ अंडररेटेड मूवीज के बारे में जिनका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक था एंड सारी मूवीज में एक्शन भी बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड क्रेजी है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड विजुअली स्टनिंग मूवी ऑफ दिस लिस्ट। ये मूवी जब रिलीज हुई थी तब फ्लॉप हो गई थी, बट बाद में लोग इसके सेकंड पार्ट की डिमांड कर रहे थे। सो मूवी की स्टोरी अप्रोक्स 1000 इयर्स फ्यूचर में टेक प्लेस करती है, जहाँ पर अब सिटी मूविंग व्हील्स पर है एंड अपने से छोटी सिटीज को कंज्यूम कर लेते हैं। अब आगे दो इंडिविजुअल्स एक पावरफुल एनिमी के अगेंस्ट फाइट करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब तुम इस मूवी को देखने के बाद ही एक्सपीरियंस कर लो। ट्रस्ट मी, मूवी के पहले 10 मिनट में ही तुम लोगों को ऐसे क्रेजी विजुअल्स एंड क्रिपिंग स्टार्ट देखने को मिलेगा दैट इस पूरे वर्ल्ड को समझने में ही मूवी कब निकल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जस्ट डोंट मिस दिस मूवी अगर तुम लोगों ने अभी तक इसे नहीं देखा है तो। इवान नाम का एक मैन जिसे पता चलता है दैट वो एक इन्फिनिट है। अब मूवी में इन्फिनिट उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी पास्ट लाइफ के कुछ इंसिडेंट को याद कर सकते हैं। एंड ऐसे टोटल 500 है जिनमें से इवान भी एक है, बट ये 500 अगेन दो टीम्स में डिवाइडेड है जिसमें से अदर टीम के इनफाइनाइट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक एग शेप वेपन चाहिए जिसे इवान ने अपने पास्ट लाइफ में कहीं पर छुपा कर रखा था और अब सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उस वेपन की लोकेशन के लिए। ये मूवी भी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है एंड इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत क्रेजी है। मार्क वॉलबर्ग ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है इस मूवी में। बहुत ही फास्ट एंड ग्रिपिंग मूवी है, सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस वन। एक क्रेजी एंड बहुत ही अंडररेटेड एक्शन मूवी जिसमें हमें वीजली गिब्सन नाम की एक ऑफिस जाने वाले लड़की की स्टोरी देखने को मिलती है जिसे लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते एंड उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स भरे पड़े रहते हैं। अचानक उसके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जब उसे पता चलता है दैट उसके फादर एक असैसिन थे। फॉक्स नाम की एक असैसिन लड़की जिसे एंजेलिना जोली ने प्ले किया है अब उसे ट्रेन करेगी उसके फादर के जैसे एक असैसिन बनने के लिए एंड इसी जर्नी को हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी, बट जब तुम इसके एक्शन सीन देखोगे तुम्हें लगेगा तुम 2024 की कोई मूवी देख रहे हो। रे गैरिसन नाम का एक रिटायर्ड सोल्जर अपने हॉलीडेज पर है अपने वाइफ के साथ। अब एक क्रिमिनल ग्रुप का हेड उसे किडनैप कर लेता है एंड उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है जिसमें वो उसकी वाइफ को मार देता है एंड रे को भी शूट कर देता है, बट वो बच जाता है एंड वो RST नाम के एक लैब में उठता है जहाँ पर उसके बॉडी में ब्लड शॉट प्रोग्राम के चलते नैनाइट टेक्नोलॉजी से उसके सारे ब्लड स्ट्रीम को रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हील होता है एंड उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी मिलती है, मतलब ऑलमोस्ट वो एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसे अपनी वाइफ की डेथ का रिवेंज चाहिए। अब जिसने उसकी वाइफ को मारा था उसके अलावा मूवी का मेन विलन कोई और ही है, जो एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, उसके लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी के कुछ एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, स्पेशली इसके क्लाइमैक्स में तुम्हें जो देखने को मिलेगा वो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ओके, 2017 की एक एक्शन मूवी जो 2014 में रिलीज हुई मूवी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस का सीक्वल है, जिसमें हमें हिग्जी नाम के एक स्किल्ड एजेंट की स्टोरी देखने को मिलती है जो किंग्समैन नाम के सीक्रेट स्पाई ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट है। द गोल्डन सर्कल एक मिस्टीरियस क्रिमिनल ग्रुप है जो किंग्समैन के हेडक्वार्टर्स को उड़ा देता है मूवी के स्टार्टिंग में ही। इसके बाद गोल्डन सर्कल का प्लान कुछ इस तरीके से होता है दैट वो वर्ल्ड में एक वायरस स्प्रेड कर देंगे जिसके वैक्सीन के बदले में वो गवर्नमेंट से बहुत ही बड़ी रकम मांगेंगे। अब इस प्लान को रोकने के लिए हिक्सी एंड मर्लिन नाम का एक एजेंट टीम अप करते हैं। बहुत क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे तुम्हें इस मूवी में जो तुम्हें इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिले होंगे। बहुत ही कूल कास्ट एंड कूल गैजेट के साथ बहुत अमेजिंगली क्रिएटेड एक्शन देखने को मिलेगा। सो इस मूवी को तो बिल्कुल भी मिस मत करना अगर तुम लोगों ने अभी तक इसे नहीं देखा है तो। कंट्रोल किया जा सकता है एंड किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पर उसे ड्रॉप किया जा सकता है। इसी बॉक्स को चार लोगों की एक टीम CIA के ऑफिस से चुरा लेते हैं।
अब फॉर्मर ट्रिपल एक्स एजेंट को वापस सर्विस में आना पड़ेगा पेंडोरा बॉक्स को CIA को हैंडओवर करने के लिए, जिसे विन डीजल ने प्ले किया है। बहुत ही अमेजिंग एक्शन देखने को मिलेगा विद सम कूल लोकेशंस एंड डेडली स्टंट्स के साथ। ये मूवी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही थी एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज, बट अब ये एक अंडररेटेड मूवी बनकर रह गई है, सो मैंने इस लिस्ट में ऐड किया। इस मूवी की स्टोरी 1000 ईयर फ्यूचर में टेक प्लेस करती है, जहाँ पर किटाई एंड उसके फादर अर्थ पर क्रैश लैंडिंग कर देते हैं, जिसमें उसके फादर इंजर्ड हो जाते हैं एंड अब वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर सकते। सो किटाई को हेल्प के लिए सिग्नल भेजना है वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर किसी हाइटेड लोकेशन पर जाकर। बेसिकली दिस इज अ सर्वाइवल मूवी जिसमें तुम्हें 1000 ईयर्स के बाद की पोस्ट अपोकैलिप्टिक अर्थ ही देखने को मिलने वाली है विद सम क्रेजी विजुअल्स एंड ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीन्स। ये बहुत ही एंगेजिंग मूवी है, बहुत छोटी सी मूवी है, इट्स अ सर्वाइवल मूवी एंड जेडन स्मिथ ने बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग करी है इस मूवी में, सो इट्स अ मस्ट वॉच अगेन। इस मूवी को तो डेफिनेटली मिस मत करना। ओके, इस मूवी में हमें विल शार्प नाम के एक रिटायर्ड सोल्जर की स्टोरी देखने को मिलती है, जिसे अपनी वाइफ की सर्जरी के लिए अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत है। सो वो अपने भाई के साथ, जिसे मूवी में जेक जिलेनाल ने प्ले किया है, $32 मिलियन की एक हाइस्ट प्लान करते हैं और इनका प्लान सक्सेसफुल भी होता है, बट एक पुलिस ऑफिसर की वजह से ये सब लोग खतरे में पड़ जाते हैं। अब इनको बैंक से बाहर निकलना है, सो वो लोग एक एम्बुलेंस को एज अ हॉस्टेज बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। सारे लॉस एंजलिस की पुलिस अब इनके पीछे पड़ जाती है। अब इनका वहां से निकलने का सारा स्ट्रगल तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा। माइकल बे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स जैसी आइकॉनिक मूवीज को डायरेक्ट किया है, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, सो मूवी तुम्हें डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तुम्हें कुछ अमेजिंग एंड रियल एक्शन देखने को मिलेगा 2022 की एम्बुलेंस मूवी में। एक ट्रेन के अंदर तुम्हें सारी मूवी देखने को मिलने वाली है विद लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, जो तुम्हें हंसाते भी है एंड मूवी बहुत ही ज्यादा सीरियस भी होती है एट द सेम टाइम। मैं बात कर रहा हूँ बुलेट ट्रेन मूवी की, जिसमें हमें ब्रैड पिट लीड रोल में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने लेडी बग नाम के एक कैरेक्टर को प्ले किया है, जिसे एक आखिरी काम दिया जाता है उसके रिटायरमेंट से पहले, एक बुलेट ट्रेन से एक इम्पोर्टेंट ब्रीफ केस को लाने का। बट जल्दी ही मूवी में और भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, जो किसी न किसी तरीके से एक ही गोल के साथ उस ट्रेन पर आए थे। अब इन सब के बीच में काइंड ऑफ एक फाइट शुरू हो जाती है उस ब्रीफ केस को अचीव करने के लिए। बहुत ही फास्ट पेसिंग मूवी है, एक मिनट के लिए भी तुम लोग स्क्रीन की तरफ से नजर नहीं हटाना चाहोगे। विद लॉट्स ऑफ रियल एक्शन एंड कॉमेडी मूवी एक परफेक्ट एंटरटेनर है एंड अगर तुम लोग इसे ज्यादा एंजॉय करना चाहते हो तो मैं चाहूंगा तुम इसे हिंदी में देखो, क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही ज्यादा फनी है। हेनरी नाम का एक असैसिन, जिसके लाइफ में अचानक एक पर्सन की एंट्री हो जाती है जो उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश करता है, जो देखने में एग्जैक्टली उसके जैसा है। बेसिकली ये उसी के DNA से बनाया गया एक क्लोन है। अब इसके आगे की स्टोरी के लिए तुम्हें मूवी को देखना पड़ेगा। लाइक इसके बेसिक प्लॉट से ही तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि मूवी बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाई गई थी एंड ये भी बहुत अच्छी मूवी है, तो इसे भी तुम लोग जरूर देखना। तो ये थी कुछ अंडररेटेड एक्शन मूवीज जो बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाई गई थी एंड बहुत ही अमेजिंग है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इनमें से कौन कौन सी मूवी को तुम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऐसे मूवीज के रिकमेंडेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना।